सभी भाइयों को राम राम। मैं अभिमन्यु मूवी चैनल से आपका भाई रवि देवरा। आज हम आपको मिलाते हैं पहलवान जी से, दीपा पहलवान हमारे यहाँ पहुँचे हैं। राम राम पहलवान जी। राम राम जी। और ठीक है पहलवान जी? ठीक ठाक जी। और जी पहलवान जी, हम आपसे कबड्डी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं जी, आपसे पूछना चाहते हैं कबड्डी के बारे में, आपने कहाँ से शुरू किया और कैसे, थोड़ा थोड़ा बताइए जी। अपने हरियाणा में बचपन से ही वो उससे बहुत पुरानी कबड्डी चल रही है। पहले बड़े प्लेयर खेलते थे, उनको देख देख के भाई हम भी कबड्डी खेल लें, और हमारा भी कबड्डी में रुचि थी, बचपन से मैंने रुचि थी कबड्डी में। तो आपके गांव की टीम जी, या आपने आपका कोई किसी प्लेयर को देख के स्टार्ट किया था अपने जी? हाँ, मेरे गांव में भी टीम थी, बढ़िया थी, और हरियाणा में भी मैच होते कबड्डी के, यहाँ भाई हम देखने जाते थे, तो उनको देख देख के कबड्डी खेल लिया हमने। तो आपने पहलवान जी कब से शुरू, कितनी एज में शुरू किया था? मैंने 2002 में किया था। अच्छा जी। अच्छा जी, तो आप कितने साल कबड्डी को दे चुके हो जी अपने? मैंने 17 साल हो गया अभी खेलते। अच्छा जी। तो आपकी कबड्डी और आज की कबड्डी में बहुत फर्क है जी, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए जी। आप पहले आप खेलते थे, आपको कुछ फर्क लगता है जी ऐसा? हाँ, फर्क तो है ही, थोड़ा बहुत फर्क है, प्लेयरों का भी फर्क है, खान पान का भी फर्क है। जैसे भाई पहले बहुत बढ़िया खान पान था, और अब थोड़ा खान पान में हल्का हा फर्क है। थोड़ा पहले पर थोड़ा ज्यादा लंबे खेलते थे, तो मैच भी छोटे होते हैं, तो इस करके प्लेयर भी कम है थोड़े, इतने सारे जो पहले सारे सारे प्लेयर होते थे। तो बढ़िया प्लेयर बनने के लिए जी क्या करना चाहिए जी, जो अच्छा प्लेयर बनना चाहता है उसको क्या कुछ करना चाहिए जी? देखो, प्लेयर को तो मेहनत ही है मेन, भाई जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। प्लेयर ने मेहनत ही करनी चाहिए, बहुत अच्छा मेहनत और डाइट पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप पहलवान जी कबड्डी में के कुछ जीता जी, आप लाइफ में बेस्ट कब आए थे पहली बार, और आपने क्या कुछ जीता जी बताओ एक बार? पहली बार बेस्ट आया था मैं मंडी आ रहा, और फिर मैं आया पंजाब में, आया एकेडमी के मैच थे रुमाई में खेल रहा मैं, उधर बेस्ट आया दूसरी बार, फिर पंजाब में 2-3 जगह बेस्ट आया हूँ। तो आप अलन पंजाब में बहुत अच्छा खेले हो जी, बाहर विदेश में कहीं टूर आपका लगे जी? नहीं, मेरा लगा नहीं वैसे, एकेडमी की तरफ से बना नहीं पाया काम। तो आपके साथ पंजाब के कौन से प्लेयर रहते थे स्टार जी, जो आपके साथ खेलते थे उस टाइम? उस टाइम खेलते जिस तरह सुखा था, पप्पू चूड़ था, और लखा नहीं था, वो संदीप ललिया थे, और तो बहुत अच्छे प्लेयर थे जी आपके टाइम में। पहलवान जी आपके फेवरेट प्लेयर बताओ जी, जो आपको आप बेस्ट मानते हो, जो आपकी मतलब आपके बेस्ट प्लेयर है, रेडर या कैचर जो भी है बताओ। मैं जैसे कैचरों में मानता था तो पप्पू फाइटर कैचर था अपना, सभी बढ़िया कैच मारा करता पप्पू, नहीं पप्पू सांत। अच्छा, पप्पू सांत से, हरियाणा से जो। हाँ जी, हाँ जी। तो आप फेवरेट रेडर आपका जी? हाँ, फेवरेट चीता था मेरा, चीता धनोरी जी। और उस टाइम जब आप खेलते इस टाइम बेस्ट टीम आपकी जी? बेस्ट टीम मेरी वो कनेरी थी। हाँ जी, आप कनेरी के लिए बहुत मैच खेले हो जी? नहीं, मैं खेला नहीं वैसे टीम। अच्छा जी। और आपकी जी जोड़ी भी बहुत चली है जी, पहलवान नरेश कोहली भी और आप बिल्लू मुंड, आप इकट्ठे खेलते जी बहुत कई साल, आपकी जोड़ी बहुत चली है जी। आपकी कबड्डी लाइफ में जिक्र जी, यारी दोस्ती जो आपके फ्रेंड है जी खास जी? राजू था, पप्पू था, बिल्लू था, नरेश था। तो पहलवान जी आपने बहुत अच्छी कबड्डी खेली, आपने कबड्डी को कई साल दिए, तो इसको आपको लाइफ में या कुछ जॉब जाब या कुछ ऐसा कुछ आपके लिए मिला जी, सरकार ने कुछ किया हो जी? नहीं मिली जॉब, नहीं मिली। हाँ जी, तो मैं भी सरकार से गुजारिश करता हूँ जी, पहलवान जी ने कबड्डी को बहुत साल दिए, अपना जीवन कुर्बान किया है, तो पहलवान जी मैं भी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, पहलवान जी को नौकरी या जो भी नए प्लेयर है सबको नौकरी दी जाए सर्कल कबड्डी को जी, जो हाँ जी सर्कल कबड्डी को ऊपर उठाने की कोशिश करें। सरकार इसका जी तरफ ध्यान नहीं है सरकार का? नहीं, सरकार का भी नहीं है, लेकिन अपने जो ये कमेटीदार है इनका भी नहीं है, तो प्लेयर में वो नहीं कर रहे, जैसे सीधा बोलना कमेटीदार सबसे ज्यादा कमी है। पहलवान जी क्या बताएं जी, आजकल जैसे भाई कबड्डी में टीमों खर्चा पानी या जो भी कुछ दिया जाता है नहीं दिया जाता जी, बताए इसके बारे में जी? देखो, मैं तो पहले ये कहता हूँ जो कमेटीदार है उसको बोलना चाहिए कमेटी को भाई, हर टीम को 5-5 या 7-7 8-8 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये किराया देना चाहिए, ताकि वो अपने आगे बढ़ सके प्लेयर। वही प्लेयर 2 बार टीम भर ले, 3 बार लगे, वो आगे टीम ही नहीं भरते, उसमें किराया मिलते नहीं उसको। सही बात है, जो कबड्डी खेलते हैं नॉर्मल परिवार से खेलते हैं, जो खर्च मिले तभी प्लेयर आगे बढ़ पाएंगे जी। यह इसके लिए भी सभी कमेटियों से गुजारिश है भाई, सभी टीमों को किराया दें ताकि वो प्लेयर आगे बढ़ सके। हाँ जी, मैं हर कमेटी को कहता हूँ कि किराया जरूरी ही देना चाहिए, तो किराया पे कोई गौर नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा, तो रेफरी है जैसे कमेटीदार है वो तो पैसे लेके चले जाते हैं, और
प्लेयर ऐसे रोते चले जाते हैं हमारे पास। आपसे पूछना चाहता हूँ जी, जो नए प्लेयर है उनको कुछ अपना एक तकनीक या जो कबड्डी का वो बताएं दा भाई, जिससे प्लेयर आगे बढ़ सकें जी। उसके विद्या तो ऐसा है कि जो प्लेयर छोटे बड़े की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें और मेहनत ज़्यादा रखें, डाइट पर अपनी पर ध्यान रखें, वही प्लेयर आगे बढ़ेगा। तो सही बात है जी, ये तो है जी, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा जी। तो पहलवान जी, आपको कबड्डी के लिए एक संदेश दो, कबड्डी के लिए शुभचिंतकों कोई अच्छा संदेश जो कबड्डी को आगे लेके जाए उसके बारे में कुछ बताइए जी। देखो कबड्डी जैसे आगे तो भी जाएगी, ताकि अपने प्रमोटर हो बढ़िया, बड़े बड़े प्रमोटर हो, उसको शौक मिले प्लेयरों को, या प्लेयर भी उनको भी शौक दे भाई बढ़िया खेलने प्लेयर, और उनको भी बोल ले भाई हम भी अच्छे खेलेंगे और आप भी हमारा शौक दो, जैसे अपनी पब्लिक है, पब्लिक ने भी कबड्डी उठानी चाहिए। सही बात है, जो भी प्लेयर है उसके गांव के या जो भी कमेटी है उनको उनको सहयोग देना चाहिए, जो भी खेल के आते हैं उनको अच्छा मतलब सम्मानित करें या जो भी करें, तो प्लेयर आगे और हौसला बढ़ता है, तो उनको बहुत हौसला मिलता है, तो वह प्लेयर तभी आगे बढ़ेंगे। तो सभी कमेटियों से रिक्वेस्ट है भाई, सभी प्लेयरों का सहयोग करें, उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पलवन जी आपका, आपने बहुत समय निकाला। थैंक यू, थैंक यू। जय कबड्डी, जय हरियाणा।